वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से युक्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराया जाए तथा स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं। न्यास के अध्यक्ष रणजीत सिंह बोरा ने बताया कि पहाड़ में चीड़ खड़िया तथा फल सब्जी पर आधारित उद्योग लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को सुझाव दिए हैं। इस मौके पर गोविंद भंडारी, दलीप सिंह खेतवाल सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। इधर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों ने रोजगार के अवसर को लेकर विभिन्न सुझाव दिए हैं जिन्हें वह शासन को प्रेषित करेंगी। आज हम लोग यहाँ पर अपने सीनियर सृजन न्यास बागेश्वर, हमारी जो मुख्य मांग थी यहाँ पर, हमने माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक ज्ञापन दिया जिसमें हमने ये कहा कि यहाँ पर करीब 30,000 हमारे लोग जो हैं रोजगार छोड़कर या प्रवासी यहाँ आ गए हैं, अब उनके सामने रोजगार की समस्या है। तो हमने सबसे पहले मांग ये की कि यहाँ पर जो लीसा आधारित उद्योग है, बिरोजा की फैक्ट्री है, उसके लिए लीसे का आवंटन बागेश्वर में किया जाए। चीड़ के जो उत्पाद है हमारा, चीड़ बहुतायत में है, तो यहाँ पर चीड़ पर आधारित उद्योग लगाया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी ये माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ये मांग की है कि हमारे इन जनपदों में जो हमारे बेरोजगार लोग बाहर से आए हैं उनको जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए जिससे कि वो अपना उद्योग स्थापित कर सकें। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, उन्होंने अपने एक प्रयास किया था बहुत बड़ा, उनका एक दिमाग इसमें सोच थी कि पहाड़ में एक बड़ा उद्योग बनाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट जो बड़ा घराना था, 5,000 करोड़ रुपया एमओई हो गई थी उसमें, 5,000 करोड़ रुपये। तो दुर्भाग्य ऐसा है कि यह एमओई जिस दिन हुआ उसी के 4 दिन बाद उनकी सरकार यहाँ से चली गई, तो उसमें दूसरी सरकार आ गई। और ये यहाँ का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि हमारे एक बहुत अपने आप को भी पहाड़ का भला चाहने वाले, उन्होंने यह कहा कि पर्यावरण के नाम से यहाँ सीमेंट उद्योग नहीं लगने चाहिए। यह बड़ा दुर्भाग्य है, उसकी फोटो भी हमारे पास है, उसके बाइट भी हमारे पास है और वह अखबार में हमने अभी संभाल के रखा है। क्या रबर बैंड बाल बांधने के या अन्य कागज बांधने के ये हमारे यहाँ पर उत्पादित नहीं हो सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में? इसके लिए उद्योग विभाग इन लोगों को तैयार करे, यहाँ के नौजवानों को तैयार करे। और सत्ता का जो विभेदीकरण एक ही जगह होता है वो बहुत गलत है। कल कारखाने बने तमाम सारे गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह इन जगहों में, दिल्ली वगैरह में। हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग स्विट्जरलैंड से की तरह होते तो हमारे यहाँ जो 30-25-30 हज़ार जो नौजवान बाहर रोजी रोटी के चक्कर में गए थे, यहाँ काम करते, यहाँ का माल बाहर को जाता। देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास है जनपद बागेश्वर में, उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन से ज़्यादा हम उसको सुझाव कह सकते हैं। इसमें रोजगार जो बागेश्वर में प्रवासी आ रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए हम अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं, तो उनके द्वारा काफ़ी विस्तृत एक सुझाव दिया गया है। वो सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, तो उसको आज ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो ज़िले से ही हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग CDO साहब के साथ और अपने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके उसको अमल में लाएंगे। और बेसिकली इनका वही है कि जो कुछ जंगल में हमारे चीड़ बहुतायत रूप में है, तो उसमें कुछ उद्योग इस टाइप से लगाया जाए। तो सब बताना चाहती हूँ कि पिरुल के संबंध में गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ गई है, और उसमें हालांकि बागेश्वर जनपद में अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि उस पॉलिसी को पढ़ें और उसमें अप्लाई करें, आवेदन करें, ताकि हमारे जनपद में भी उस तरह का रोज़गार उत्पन्न हो सके। और भी उनके 8-10 सुझाव हैं, तो उस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका सुझाव भेजेंगे। और जो वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति है, ये अनेक तरीके के कार्य भी करते हैं जन कल्याण से संबंधित। अभी आप लोगों ने एक 20,000 पैम्फलेट वगैरह छपवाया गया है जिसमें कोरोना संक्रमण से जागरूकता के संबंधी पोस्टर है, उन्होंने मुझे भी उसको एक उपलब्ध कराया है। और आपके द्वारा काफ़ी सारे और सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को स्वस्थ रहने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।